हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। सो आज मैं लेके आई हूँ मेकअप लुक, जो कि है इंगेजमेंट पर। आप अपनी इंगेजमेंट पर आराम से ये मेकअप क्रिएट कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे लगा रही हूँ अपना फेस सीरम को अच्छे से फेस पे अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैं लगाऊँगी मॉइस्चराइज़र। उसके बाद मैं लगा रही हूँ अपना मॉइस्चराइज़र को अच्छे से फेस पे अप्लाई कर लेंगे। मॉइस्चराइज़र से फेस एकदम सॉफ्ट हो जाता है और आपका मेकअप बिल्कुल बहुत सटल सा और एकदम क्लीन लगता है। मेरा मॉइस्चराइज़र हो गया है डन। इसके बाद मैं लगाऊंगी अपना फाउंडेशन। ये मेरा फिटमी का फाउंडेशन है, अच्छा कवरेज देता है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं अगर आप फाउंडेशन लगाते हैं तो। मैं पूरा अपना फेस पे एंड नेक एरिया पे एंड कान के पास वाले एरियाज़ पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। इसको ब्यूटी ब्लेंडर से मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी अपने फेस पे एंड नेक एरियाज़ पे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे हम। फाउंडेशन कभी भी लगाइए आप, उसको अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए। उसके बाद मैं यहाँ कॉम्पैक्ट अपने फाउंडेशन को सेट कर रही हूँ एंड उसके बाद आईज एरियाज़ पे ऊपर एंड नीचे साइड पे मैं लगा रही हूँ कंसीलर, जो मेरे हाई पॉइंट्स हैं उन पे भी थोड़ा सा जो डार्क एरिया हैं उन पे भी कंसीलर लगा के एंड उसको अच्छे से हमको ब्लेंड करना है। उसके बाद मैंने कॉम्पैक्ट सेट कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ अपना आईब्रो को अच्छा सा शेप दे रही हूँ, जो कि है ब्राउन कलर की पेंसिल। मैं इससे अपना आईब्रोज़ को फिल कर लूँगी एंड हो गया है दोनों डन। उसके बाद मैं लगा रही हूँ अपना आई शेडो। जो मेरी ड्रेस है वो पिंक कलर की है, सो मैं पिंक कलर ही लगा रही हूँ। पहले मैंने हल्का पिंक का बेस दिया था, उसके बाद डार्क पिंक से मेन एरिया को फिल किया था। सो पहले हम थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेके उसको अच्छे से फिल कर लेंगे। ये देखिए, अच्छे से उसको फ्लफी ब्रश जो होता है उससे हम करेंगे। उसके बाद मैंने जो अपना मेरा डार्क पिंक था उसको मैं साइड से लेते हुए एंड इस साइड से लेते हुए दोनों तरफ मैंने किया था। थोड़ा थोड़ा लेंगे एंड अच्छे से उसको अप्लाई करेंगे। एंड साइड में मैंने गोल्ड शिमर होता है, मैंने वो अप्लाई किया था अपने आईज़ पे, जो कि बाद में बहुत अच्छा लग रहा था। जब पूरा मेकअप डन हो गया था तो बहुत अच्छा लग रहा था। साइड में मैं देखिए गोल्ड शिमर को यूज़ कर रही हूँ। ड्रेस में थोड़ा सा गोल्ड था तो मैंने गोल्ड यूज़ कर लिया। इस आईज़ में भी कर लेंगे। अच्छे से लगा लेंगे एंड मैं यहाँ पर लगा रही हूँ अपना काजल। काजल मैं थोड़ा ही लगा रही हूँ, ज़्यादा यूज़ नहीं की हूँ, क्योंकि नीचे एरिया में मुझे थोड़ा ही काजल लगाना था। एंड मैं यहाँ पे थोड़ा आई शेडो लेके अपने आईज़ के नीचे भी थोड़ा थोड़ा अप्लाई कर लूँगी, जिससे आंखें देखने में अट्रैक्टिव लगती हैं। एंड ये उसके बाद मैं लगा रही हूँ अपना आईलाइनर। मुझे आईलाइनर में विंग अच्छा लगता है। अगर आपको विंग कम चाहिए तो आप कम भी कर सकते हो। मुझे तो थोड़ा विंग चाहिए होता है, मुझे अच्छा लगता है, मैं हमेशा विंग ही बनाती हूँ। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो यार, छोटा बड़ा जैसा भी चाहिए आपको। एंड यहाँ पे मैंने अपना लगा लिया आई लैशेज। सो आईज एरिया का डन हो चुका है, अब हम फेस पे करेंगे। ये मैं कर रही हूँ अपना कॉन्टोरिंग, अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेंगे। एंड अपर एरिया में जो सर ऊपर हेड के पास है उसको हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे, क्योंकि वो बाद में दिखने लगता है। आप कोशिश करिए कि ब्यूटी ब्लेंडर से जो क्लीन एरियाज हैं उसको ऊपर से आप क्लीन कर लें। एंड यहाँ पे मैं लगा रही हूँ ब्लश, जो कि हल्का पिंक कलर का था मेरा ब्लश। थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेंगे एंड अच्छे से उसको ब्लेंड करेंगे। हो गया है डन। एंड यहाँ पे मैं अपने हाई पॉइंट्स को हाईलाइट कर रही हूँ। हाईलाइटिंग फेस के लिए बहुत ज़रूरी होती है। जब भी आप मेकअप करिए हाईलाइट ज़रूर करिए, उससे मेकअप आपका बहुत अच्छा दिखता है। एंड अपर एरियाज़ पे भी मैं थोड़ा सा लगा रही हूँ हाईलाइट। जो भी हाईलाइट्स पॉइंट्स है मैं वहाँ पे हाई पॉइंट्स पे हाईलाइट कर रही हूँ। एंड उसके बाद मेरा मेकअप हो जाएगा डन। फिर मैं लगा रही हूँ अपना लिपस्टिक। ये मेरी ड्रेस की पिंक कलर मेरी ड्रेस पिंक कलर की थी, तो मैंने सोचा पिंक कलर की ही लिपस्टिक लगाती हूँ। बहुत हल्का कलर था इसका, पहले तो पता ही नहीं चल रहा था, फिर बाद में जब मेकअप डन हो गया उसके बाद अच्छी लग रही थी ड्रेस के साथ, ये लिपस्टिक अच्छी लग रही थी। एंड अच्छे से पहले मैं लिप लाइनर की तरह लिपस्टिक को यूज़ किया मैंने, फिर उसको बाद मैंने अंदर फिल किया। इसी से मैंने दोनों काम कर लिया, क्योंकि मैं लिप लाइनर बहुत कम यूज़ करती हूँ, लिपस्टिक से ही दोनों का काम कर लेती हूँ।
सो ये है लिपस्टिक का कलर, बहुत हल्का था लेकिन अच्छा लग रहा था। सो यहाँ पे हो गई है फाइनल लिपस्टिक लुक्स। एंड उसके बाद मुझे हेयर स्टाइल भी करनी है। मैं हेयर स्टाइल में सोच रही थी कुछ हैवी करूँ बट कर नहीं पाई, मैं थोड़ा सा ही की हूँ बट अच्छा लग रहा था। एंड उसके बाद देखिए मैं अपना हेयर स्टाइल कर लूँगी। दोनों एक साइड से थोड़ा थोड़ा हेयर लेके टक कर लिया है बस। एंड साइड में मैंने वो स्टाइलिश हेयर क्लिप्स आती हैं वो मैंने लगा ली थी, जो कि देखने में बहुत अच्छी लग रही थी। एंड यहाँ पे मेरा मेकअप फाइनल हो गया है। उसके बाद मैंने अपनी इयर रिंग्स डाल लिए हैं, जो झुमका था वो मैंने पहन लिया था, बट दैट्स इट। उसकी मैंने गले में कुछ भी नहीं, छोट पतली सी एक चेन डाली थी एंड हो गया डन। सो गाइज ये है मेरा फाइनल लुक। आप अपनी इंगेजमेंट में या किसी की इंगेजमेंट हो रही है आप रेडी करना चाहते हैं तो आराम से क्रिएट कर सकते हैं, आप अपने लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड ये देखिए ये है मेरा फाइनल लुक। सो मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को शेयर भी करिएगा। एंड वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।